The inspiration you seek is already within you. Be silent and listen. रूमी का ये कोट बिल्कुल 100% सही है और इस बात को सत्यापित किया है मंथन में आने वाले मेरे मेहमानों ने. उन्होंने हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज को सुना और इसीलिए वो सब अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं और हम उन्हें देखकर इंस्पायर होते हैं. लेकिन उनसे सबक लेने की चीज ये है कि हमें भी अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा. आज मंथन में जो मेरी मेहमान है ना, उन्होंने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना और आज आलम यह है कि वो कई लोगों के दिलों की धड़कन बनी हुई है. आप सभी उनको जानते हैं क्योंकि आपने उन्हें वागले की दुनिया, जो ये नया वाला सीजन चल रहा है ना, वो बचपन वाला नहीं, ये बड़ा वाला, ये वागले की दुनिया में आप उन्हें देख रहे हैं. फिर मेरे साईं जो एक सीरियल आता है आपने उसमें उनको देखा है. फिर अनुपमा नाम का जो सीरियल है जो बहुत फेमस है उसमें आपने उनको देखा है. और अनगिनत मराठी फिल्मों में, गुजराती सीरियल्स में, फिल्मों में, हर जगह वो निरंतर काम करती जा रही हैं. एक बात बस कॉमन है, वो ये है कि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा जबरदस्त है. आप समझ ही गए होंगे किसका नाम मैं ले रही हूँ. जी हाँ, आज हमारे बीच में है भक्ति चौहान जी, जो कि आजकल हर युवा लोगों के दिलों की धड़कन बनी हुई है. तो चलिए भक्ति जी को जोड़ लेते हैं और उनसे आज हम बात करते हैं उनके करियर के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में. और हाँ, आपके मन में कोई सवाल हो ना तो निसंकोच जरूर पूछिएगा. सब लोगों को नमस्ते. थैंक यू, वेलकम. नमस्ते. हेलो. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ. भक्ति जी, आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपसे सवाल कौन सी तरह का पूछूं. आप हिंदी में भी काम करती हैं, उसके बाद गुजराती में करती हैं, मराठी में करती हैं, और आपके जितने भी सीरियल्स हैं, आप लकी चार्म तो नहीं अपने डायरेक्टर के लिए? मतलब आपको वो लेते कि सीरियल हिट हो जाएगा, बहुत अच्छा चलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बट ये मेरा लक है कि मैं जिस शो का हिस्सा बनती हूँ वो शो अच्छा जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एक अंदर से इंट्यूशन आता है कि नहीं. और बाढ़ने के लिए तो स्पेशली ऐसा था कि अंदर से एक इंट्यूशन आया था कि ये शो मुझे करना है एंड मैं आऊँ. हाँ, सही में. अच्छा, वागले की दुनिया में ना हमने पहले उन दोनों को ही देखा था, वागले साहब, मिस्टर एंड मिसेस वागले को ही हमने अपने बचपन में उन्हीं को देखा था. हम उनको देख के बहुत खुश होते थे. वो छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका दिखाते थे, है ना, अपने फैमिली इश्यूज को लाइटली हैंडल कर लेना. आपने जब उनके साथ स्क्रीन शेयर किया, वो आपके लिए भी तो आपके बचपन के आइडल्स रहे होंगे, तो काम करना उनके साथ कैसा था? बहुत डरने वाला था या इट वॉज लवली एंड फन? मैं और भारती जी जो राधिका बनी है तो उनकी राशि सेम है. बट वो पहली बार होता है ना कि मुझे भी ऐसा ही हुआ था कि नहीं, सीनियर्स है तो फर्स्ट अप्रोच मेरा उनकी तरफ कैसा होगा, वो मुझसे बात करेंगे या नहीं या कैसा होगा. बट हमारे सेट पे इतना ब्यूटीफुल माहौल है, मतलब सुमित राघवन से लेके परिवा प्रणीति से लेके राधिका जी और अंजन सर, सब इतने फ्रेंडली है, इतने अच्छे से बात करते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि अच्छा हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं या वो सीनियर है और हम जूनियर है, ऐसी वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं. आपके देखिए फैंस आपको ना भाभी भाभी लिख के भेज रहे हैं सबके. हाँ, ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, ज्योति भाभी. हाँ, अच्छा कैसा लगता है ये वाला प्यार आपको, जो लोग आपको ज्योति भाभी लिखते हैं, कहते हैं, मजा आता है आपको? बहुत 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 अच्छा लगता है कि जब आपको ये काम करते हो अच्छा बना और वो लोगों की नजर में आता है, लोग उसको नोट डाउन करते हैं आपके हर एक सीन. इनफैक्ट कभी अगर मैंने कॉमेडी की तो उस पर कमेंट्स आएंगे मुझे इंस्टाग्राम पे, जरूर आते हैं कुछ फैंस के कि आपका ये सीन बहुत अच्छा रहा, कल मेरा एक इमोशनल सीक्वेंस आया तो उसे देख के भी फैंस ने मुझे रिप्लाई किया कि आपका ये इमोशनल साइड हमने इस सीरियल में नहीं देखा था जो हमें देख के बहुत अच्छा लगा. तो ये प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे और कोई अवार्ड नहीं चाहिए, यही मेरे लिए अवार्ड है कि लोग देखते हैं मुझे और पसंद करते. अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, आजकल ये जो इंस्टाग्राम है, मैसेंजर्स हैं, फेसबुक है, ये इतने सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ गए हैं, आपको कभी लगता नहीं है कि आपकी जो अपनी पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल तो कोई रहने ही नहीं देता? आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आप किसके साथ हैं, कहाँ घूम रहे हैं, और उसपे लोगों का जजमेंटल होना,
आपको कभी कभी परेशान करता है या आपको लगता है ओके लेट इट बी? मैं उसका एक सीक्रेट बताती हूँ आपको. जब मैं मेकअप निकालती हूँ, आई हैव नंबर्स, तो मैं ग्लास लगाती हूँ, मेरे कॉमन कपड़े पहनती हूँ, तो मुझे दूर दूर तक कोई नहीं पहचानता कि मैं ज्योति हूँ. बट इस बार लकीली ऐसा हो गया कि मैं ऑटो में थी और वो ऑटो ड्राइवर ने पहचाने. अब ज्योति हो ना, मतलब मैं नॉर्मल अपने अटायर में थी, ऐसा तो नहीं कि मैंने मेकअप कैरी किया था. तो हाँ, बट मुझे ना मेरी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ दोनों एंजॉय करना अच्छा लगता है, बट सेपरेटली. मैं दोनों को कभी मिक्सअप नहीं करती हूँ. वो 24 घंटे फोन लेके, हेलो फ्रेंड्स, मैं आज ये कर रही हूँ, वो वाली, उस या तरह से मैं थोड़ी एंटी सोशल हूँ. बट हाँ, जब इंस्टाग्राम पे कुछ लोग होते हैं कि अच्छा, हमको भी आधे से ज्यादा आजकल ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमें भी एक्टर बनना है, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, आई नो. तो वो लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, उनको लगता है कि वी आर द लेडर फॉर देम टू बिल्ड अ करियर, विच इज नॉट लाइक दैट एट ऑल. बट बाकी कुछ ऐसे अच्छे और जेन्यून मैसेज भी होते हैं ना, तो अच्छा लगता है कि हम इस माध्यम से भी लोगों के दिलों तक पहुंचते. पर्दे के पीछे हम कैसे हैं, वेरी पूरा तो ट्रू. नहीं, पर हाँ, हम कैसे हैं वो हमें दिखाने का एक मौका मिलता है, जो शायद पहले के जमाने में या ये सोशल मीडिया आने से पहले नहीं था. तो हम एक्चुअली क्या है वो भी हमारे फैंस जान पाते हैं. तो ये पॉजिटिव साइड भी है इसकी और नेगेटिव साइड भी है. नेगेटिव भी. वेरी ट्रू, वेरी वेल सेड. अच्छा, आप हिंदी मूवी में, गुजराती में आप काम करती हैं, फिर मराठी में भी. आपको फील एट होम वो कौन से वाले सेगमेंट में आपको लगा, मतलब हिंदी भाषा में करना गुजू? क्योंकि क्योंकि पिछले 11 सालों से मैं हिंदी सीरियल्स ही कर रही हूँ ज्यादातर. बीच बीच में मैंने एक आध मूवीज कर ली, बट मैंने 7 साल पहले गुजराती शो किया था, पति थोड़ा पति करो एज अ मेन लीड. वो शो का वो जो किरदार था वो मेरे दिल के बहुत करीब था. वो पूरा ऐसे देसी ही था, मतलब ये ज्योति जितनी मॉडर्न है उतनी ही वो देसी थी. बट वो क्योंकि आपकी मातृभाषा में जब आप परफॉर्म करते हो कोई भी चीज, तो यू फील कनेक्टेड, आपको ज्यादा लगाव हो जाता है उन चीजों से. बट ये ज्योति का किरदार भी मुझे बहुत पसंद है. आई एम इन रियल लाइफ लाइक दिस ओनली. मेरी बैग में साबुन से लेके टूथब्रश तक सारी चीजें होती है. तो मैं हूँ, थोड़ी थोड़ी ज्योति है मेरे अंदर और वही दिख के आती है और वही लोगों को पसंद भी आती है. तो दैट्स मुझे पहला अमेजिंग. लगाव मेरी मातृभाषा में काम करने, बिकॉज इट्स सो कंफर्टेबल. बट हिंदी हिंदी से मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, तो हिंदी इज ऑलवेज बेस्ट फॉर मी. आई लव डिफरेंट कैरेक्टर्स टू प्ले, मुझे अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट करना खुद के साथ. सबसे मुश्किल वाला कैरेक्टर अभी तक आपको कोई मिला है क्या, विच हैज बीन वेरी टफ फॉर यू? मैं एक किस्सा बताती हूँ. इससे 1 साल पहले मैं अनुपमा कर रही थी और उसमें मेरा पूरा गुजराती टोन था, ओ माड़ी रे ऐसे करके मैं बात करती थी. तो क्या होता है ना, जब आप अपनी मदर टंग में होते हो प्लस घर के उसी लैंग्वेज में बात करते हो, तो आफ्टर अ पॉइंट आपके हिंदी लहजे में भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा टोन उस लैंग्वेज का आ जाता है. तो Yes. व्हेन आई एम गिवन ऑडिशन फॉर ज्योति, माय हस्बैंड ओनली नोज बिकॉज ही इज शूटिंग माय ऑडिशन. आई रीटेक ऑलमोस्ट फॉर 60 to 70 times. एंड एट द एंड मैंने ऐसा था कि तुषार मुझसे नहीं होगा, मेरे हस्बैंड कह रहा. मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊंगी यार, मतलब ये मेरा ऑडिशन का, जो मैं कहीं भी स्क्रीन टेस्ट या देने जाती हूँ ना, तो उन लोगों के डिसाइड करने से पहले मैं खुद ही डिसाइड करती हूँ नहीं नहीं ये अच्छा नहीं गया, एक और करता है, नहीं नहीं इसमें ये कर सकते थे वो. तो देन फाइनली आई गेव अप एंड आई सेड नो, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस एनी मोर. अब मैं ब्लॉक हो चुकी हूँ क्योंकि एक ही लाइन जब आप 40 बार बोल लेते हो ना, देन इट बिकम मैकेनिकल. तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कोई नहीं, एक लास्ट ट्राई दे दे, जैसा है वैसा भेज देना, पर डोंट गिव अप. और वो मैंने लास्ट ऑडिशन दिया, वो भेजा एंड मैं सिलेक्ट हो गई के लिए. तो यस, अभी तक मैंने कभी इतनी बार एक ही ऑडिशन रीटेक नहीं किया होगा जितना ज्योति करती पर है. कई बार अंत भला तो सब भला. अब वो आप सिलेक्ट हो हाँ गए, आप उसमें जी, काम कर रहे, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है, राइट? अच्छा, मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि इस इंडस्ट्री में आना लोगों का सपना होता है, हर कोई चाहता है, हर लड़की. मुझे लगता है हम बचपन से ही ना, आजकल टेलीविजन और फिल्म इतने ज्यादा है कि मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ आईने के सामने, बचपन में ही शुरू हो जाते हैं. पेरेंट्स भी, कोई आता है एग्जैक्टली तो बोलते हैं बेटा चलो वो वाला एक्ट करके दिखाओ, वो वाला गाना, वो वाला डांस करो, मतलब ये हर किसी के साथ है. व्हेन डिड यू थिंक ऑफ कमिंग टू दिस प्रोफेशन? आपने कब, आपको कब लगा कि आपको आना चाहिए? इट्स एन एक्सीडेंट एक्चुअली.
अच्छा बचपन से एक्सीडेंटल ही। हाँ, मैं बहुत मतलब ऐसे ना बोलने वाली, इलोक्यूशन कंपटीशन में हिस्सा लिया। तो लिटरली मेरे स्कूल में जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती थी ईयर के एंड में, तो टीचर मुझसे रिक्वेस्ट करती थी कि तुम स्टेज के बाजू में ही बैठो, क्योंकि हर कंपटीशन में पहला या दूसरा इनाम लेने तुम्हें ही आना है। सो डोंट गो ऑन योर सीट बैक एंड देन कम अगेन, यहीं पे बैठो स्टेज के नजदीक। तो वो वैसे ही मैं थी थोड़ी एक्टिव बोलने करने में, जैसे आपने कहा शीशे के सामने बहुत नखरे किए हैं, पर कभी ये नहीं सोचा था कि इस इंडस्ट्री में आऊंगी। देन फिर एक कहते हैं ना कि लोग जुड़ते गए कारवा बनता गया, तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप। और जब एक बार वो किया, मतलब मैं बताना चाहूंगी कि मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी एज अ जूनियर आर्टिस्ट। यस, देन आई डिड ड्यूक फॉर डीडी नेशनल का शो, उसमें जो मेन लीड थी उसी की मैं ड्यूक प्ले करती थी। तो तब मैं ना डायलॉग्स की क्यों खुद बोलती थी, जब आप किसी के डुप्लीकेट बनते हो तो यू डोंट नीड टू से योर लाइन, बट मैं करती थी क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता था, मुझे लाइंस याद रह जाती थी। तो उस शो में एक बार किसी एक लड़की की कास्टिंग नहीं हो पाई, एंड मोमेंट पे उस लड़की ने मना कर दिया। तो मेरे डायरेक्टर साहब जो है उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे बहुत कीड़ा है ना डायलॉग बोलने का, आज मैं तुझे कैमरे के सामने खड़ा करता हूँ, अब तू मुझे डायलॉग बोल के दिखाना। तो आई हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड आई हैव गिवन द शॉट। और वो शॉट कंप्लीट होते ही मेरे वो डायरेक्टर मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग दिस, डू एक्टिंग, यू आर अ गुड एक्टर। ओह गॉड, आई एम हैविंग गूज बम्स. ऐसा कोई होता है यस। ना? बहुत तो वो ऐसा नहीं है कि बचपन से ही सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी और मैं बन गई, तब वो बहुत एक्सीडेंटली मेरी लाइफ में ये सारी चीजें आई। बट व्हेन आई स्टार्टेड आई कम टू नो कि दिस इज व्हाट आई वांट एक्चुअली इन माय लाइफ, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई कैन डू माय बेस्ट। एंड फिर धीरे धीरे मेहनत करते करते आज 11 सालों के बाद में यहाँ वो मेरा काम फाइनली लोगों को दिख रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। बिकॉज जब आप छोटे छोटे किरदार करने जाते हो तो कई बार आप नजरों से निकल जाते हो, लोगों को याद नहीं रहते। बिल्कुल पर यही बिल्कुल. हुआ कि जैसे किसी शो में आपने बहुत अच्छा सीन किया तो आप डायरेक्टर या कास्टिंग वाले की नजर में रह गए, एंड देन फिर उन्होंने आपको वापस किसी अच्छे किरदार के लिए बुलाया, और ऐसे में लोगों को याद रहती गई और मेरी कास्टिंग होती गई कैरेक्टर। दैट्स रियली सो लवली. अच्छा, आप जब आपने जब स्टार्ट किया, घर वालों के रिएक्शंस क्या थे? वो दे वेरी सपोर्टिव, या उनको लगा कि यार कहाँ जा रही है, अभी तक तो ठीक था, क्या हर एक चीजें कर रही थी? हाँ, एक्चुअली उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बिकॉज ऑफ अवर फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन, मी एंड माय मॉम हैज स्टार्टेड दिस जर्नी टुगेदर। शी आल्सो अच्छा. यूज्ड टू डू जूनियर आर्टिस्ट एंड देन शी बिकेम अ ड्यूक। मैं जहाँ लीड का ड्यूक कर रही थी वहां वो दादी का ड्यूक कर रही थी। एंड देन व्हाइल वाह, वी बोथ हैव स्टार्टेड एक्टिंग आल्सो वन डे टू डे, छोटे छोटे किरदार भी हमने साथ में करना शुरू किया। बट स्टिल मम्मी वॉन्ट्स मी टू कम्प्लीट माई एजुकेशन एंड डू अ जॉब, वेर माई फादर वॉज लाइक कि हाँ तू जो करेगी, तुझे करना पसंद है ना, मेरी बेटी मुझे टीवी में देखेगी, अच्छा है। तो जब ये किरदार मिला, हम आईटीए में गए थे, हमारे शो को जब बेस्ट शो का अवार्ड मिला वागरे की दुनिया को, देन माई फादर वेरी फर्स्ट टाइम ही कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी दैट आई एम प्राउड ऑफ यू द वे यू आर ग्रोइंग एंड आई एम वेरी लकी दैट यू आर माई डॉटर। ब्यूटिफुल. अच्छा, आपकी मम्मी की जर्नी आपके साथ स्टार्ट हुई, आप सोचिए कि कितना जबरदस्त फीलिंग होता होगा कि माँ और बेटी एक साथ स्ट्रगलर्स भी रहे हैं, है ना? तो मुझे लगता है फिर आप दोनों का बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग होगा, आपका और आपकी मम्मी का. बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अभी उसने काम कम कर दिया है और मैं कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं फील करती हूँ ना कि शायद मेरी मम्मी एक जरिया थी मेरे करियर का, मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए। एंड वी वर लाइक बेस्ट फ्रेंड। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती थी, देखो तुम मेरे सेकंड बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड मेरी माँ ही रहेगी। तो दैट काइंड ऑफ बॉन्ड वी शेयर विद ईच अदर। ओह माय गॉड. और हम अच्छा, एक और हाँ सीक्रेट बताती हूँ, जब हम इंडस्ट्री में साथ में काम करते थे तब हम सबको ये बताते थे कि हम दोनों बहने हैं, बिकॉज वो उसकी एज और मेरी एज में ऑलमोस्ट 19 साल का ही फर्क था, तो वो मेरी मम्मी लगती नहीं थी। और वो इंडस्ट्री में थोड़ा टैबू भी है, अच्छा ये आपकी बेटी है, आप इतने बड़े हो, सो वी यूज टू से दैट शी इज माई सिस्टर एंड मैं सबसे छोटी वाली हूँ, ये सबसे बड़ी वाली है, एंड पीपल यूज टू बिलीव। माय गॉड. तो
मतलब मुझे लगा इससे अच्छा और क्या हो सकता है, अब लोगों को पता चल गया होगा ना कि वो आपकी मम्मी है, हाँ, पता दादा। चल गया। अच्छा आपके हस्बैंड, एक सबसे मुश्किल काम यहाँ पे ये हो जाता है कि जब तक शादी नहीं हुई होती है, कितने भी फैन फॉलोइंग्स हो, कितने भी वो मैसेजेस आई लव यू वाले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक शादी होने के बाद थोड़ा सा टेंशन हो जाती है आपके हस्बैंड को, यार मेरी बीवी के इतने सारे फैंस मतलब बॉदर्ड नो होते हैं। नो, इज नॉट पजेसिव। नहीं, नो, नॉट एट ऑल, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ वो वाह, मेरा फोन नहीं उठाते तो मैं पजेसिव हो जाती हूँ कि किससे फोन पे बात कर रहे थे, क्यों फोन नहीं उठाया मेरा। ही इज नॉट एट ऑल लाइक दैट, ही इज वेरी सपोर्टिव। दैट इज ऑल्सो बिकॉज वी वर फ्रेंड्स फ्रॉम लास्ट 13 ईयर्स। ही इज माई कॉलेज फ्रेंड, ही इज माई सीनियर, एंड दैट्स व्हेन वी मेट, जब मैं एक्ट्रेस नहीं थी। सो इवन ही हैज सीन माई जर्नी कि मैं कैसे, मैंने कहाँ कहाँ से ऊपर, सो ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। वो हमेशा मुझे बोलता है कि नहीं तुम जाओ, तुम काम करो। हम बीच में 2 महीने पूरा रिसोर्ट में रहे थे, सो बीइंग अ मैन, मेरे बेबी को संभालना, अपनी लाइफ को संभालना, वो अकेले रहना इज डिफिकल्ट, बट उसने कभी भी एक बार भी ये नहीं बोला है कि तुम हमें छोड़ के अपने काम के लिए, उल्टा वो ये बोलता हाउ है कि स्वीट। तुम्हें जो करना है करो। मेनी हस्बैंड्स वर सजेस्टिंग तुम ये मत पहनो, तुम वो मत पहनो। ऑन द हाँ कॉन्ट्रेरी, माय हस्बैंड इज लाइक, तुम्हें जो कंफर्टेबल है, चाहे वो बिकिनी क्यों ना हो, तुम पहनो। इफ यू आर कंफर्टेबल देन आई स्वीट, हैव नो इश्यू। सो स्वीट, सो सपोर्टिव। वो ने मेरा नमस्ते बोलेगा। आई रियली सैल्यूट जरूर मेन जो इस तरह से अपनी वाइफ के लिए ना वो बैरियर नहीं बनते हैं, उन जो उनके लिए वो ऐसे वो लाइट हाउस का काम करते हैं ना, आई जस्ट रिस्पेक्ट दोज मेन। वो लोग एक्चुअली समझते, उनकी अपब्रिंगिंग पता चलती है कि इट वो कितने नीड्स अच्छे से गट्स, पाले पोसे क्योंकि हुए हैं। इट नीड्स गट्स, हाँ क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में ही कई मर्द ऐसे देखे हैं जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि अच्छा तुम बहुत ज्यादा लीनियर हो रहे हो अपनी वाइफ के लिए। एंड ही वाज लाइक कि वाह, नहीं, एंड वी बोथ हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि आई हैव माय इंडिपेंडेंट लाइफ एंड आई हैव चोजन माय करियर, सो आई विल बी जेन्युइन टू दिस। वो हमेशा मुझे ये बात बताता है कि आप ईमानदार रहो अपने काम के प्रति। तो अगर कभी मैं उसको, जैसे हम सुबह से शिफ्ट पे आते हैं, रेडी होते हैं, कई बार लंच टाइम तक या शाम तक एक फोन करने का मुझे मौका नहीं मिलता, तो ही नेवर कंप्लेन्स। लाइक आई अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि तुम मुझे याद नहीं करती हो, पर फोन नहीं कर पाती हो तो इट्स ओके। याद करना जरूरी है, फोन करना याद करके जरूरी नहीं है, सो सिर्फ स्वीट, याद करती सो हूँ वो स्वीट, मेरे लिए बहुत। दिस इज रियली लवली। अच्छा आपकी फैमिली का तो मुझे समझ में आ गया, दे हैव बीन सो काइंड एंड सो सपोर्टिव। तो जो संघर्ष वाला टाइमिंग है, जो यूजुअली जो फैमिली की तरफ से ज्यादा संघर्ष रहता है, मुझे लगता है वहां पे आप बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन वर्क फ्रंट पर क्या संघर्ष आपके बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एक से दूसरे सीरियल के बीच में यूजुअली ऑलरेडी हैव अ गैप है ना, ज्वाइन करना, फिर बीच में ये कोविड का आना, लोगों को अटक जाना, अपने अपने कामों में नहीं पहुंच पाना, ये बहुत मुश्किल वाला टाइम रहा। क्या ऐसे टाइम में आपने कभी अपना हौसला खोया? लकीली कहूँ तो नहीं, पिछले 11 सालों से अगर मैं याद करूँ तो शायद किरदार छोटे रहे होंगे या स्क्रीन पे मेरा योगदान कम रहा होगा, पर बीच में कभी ऐसा मेंटली स्ट्रेस्ड फील होना या मेरे पास काम नहीं है, मैं क्या करूंगी, बिकॉज मेरा क्राइटेरिया इतना ही था कि मुझे काम करना है। तो कई बार अगर मैं घर पे बैठी हूँ और कोई सावधान इंडिया का आ रहा है, कोई 2-3 दिन का शूट आ रहा है, व्हाट आई लव इज एक्टिंग, वो कौन सा किरदार है, दैट डजंट मैटर टू मी। मुझे काम करने का मौका चाहिए। मुझे अभी भी ये ऑब्सेशन है कि मुझे स्क्रीन पे दिखना है, बस आप मुझे चाहे पीछे से पासिंग करा लो, बस मुझे एक्टिंग करनी है, ये मुझे नहीं छोड़ना है। सो आई एम लाइक दैट। तो ये हाँ, किरदारों के जज्बा, लिए कई बार हुआ था, क्योंकि मेरे शुरुआती शोज में मैंने मेड का कैरेक्टर चूज किया था। हम कितना भी बोल ले, पर कई बार ये होता है कि ऑन सेट रहने वाले लोग, वो चाहे पॉट बॉय हो या डायरेक्टर हो, वो भी आपको वैसे ही समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये वो किरदार कर रहा है, एक्चुअली वो मेड नहीं है, वो किरदार मेड का करीब है। बट आई वॉन्टेड टू बी ऑन द स्क्रीन, सो आई हैव चोज दैट कैरेक्टर, बट देन ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड कि आई हैव टू चूज वॉट आई वॉन्ट टू डू। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जब एक मेड का कैरेक्टर सिलेक्ट कर लेते हो तो फिर वो आपको भाभी के किरदार के लिए या माँ के किरदार के लिए समझते ही नहीं है, रिकग्नाइज ही नहीं करते कि नहीं, ये इसमें मान रही है तो उसको कुछ अच्छा क्यों दे। तो मेरे जो हस्बैंड बने थे मेरे साई में, चिराग दुबे, उन्होंने मुझे वहां से हौसला दिया जब मुझे पार्वती का किरदार मिला। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तो बी फियरलेस,
तो अगर काम हाथ से चला जाएगा या मुझे घर पे बैठना पड़ेगा या मुझे एक्टिंग या शो नहीं मिलेगा उस चक्कर में, कोई भी किरदार करती रहेगी तो लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, दे विल बी कंफ्यूज, या फिर वो एक ही किरदार में तुम्हारी छाप पड़ जाएगी कि अच्छा मेड मतलब भक्ति चौहान को कॉल करो ऐसा। सो ही हैड टोल्ड मी कि यू हैव टू बी फियरलेस, यू हैव टू से नो व्हेन इट कम्स टू यू। और उसके बाद शायद कई बड़े बड़े शोज के में मेड की किरदार के लिए मुझे फोन किया गया और मैंने हाँ बोला, एंड मैंने ना बोला कि नहीं मैं नहीं करूंगी। अनुपमा के वक्त पे भी ऐसा ही हुआ कि मैंने हाँ बोला, इट्स अ गुड कैरेक्टर, बट व्हेन आई कम टू नो के वो उस तरह का किरदार अब नहीं रहा आफ्टर अ ईयर, देन फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं ये नहीं करूंगी। एंड देन आई गॉट व्हाट आई, ये कहते हैं ना कई बार हम यूनिवर्स के पास जो मांगते हैं ना वो हमें मिलता है, किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी को बहुत मेहनत के बाद मिलता है, लेकिन मिलता जरूर। हाँ बिल्कुल सही बात है, और यही खूबसूरती है इस यूनिवर्स की, आप मांगिए वो देने के लिए बैठा है, लेकिन आपको मांगना आना चाहिए, ये और आपको दुनिया। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपको कोई बहुत बड़ा ड्रीम है जो अभी पूरा होना बाकी है, द बिगेस्ट ड्रीम? हाँ, मुझे गोल्डन टेम्पल जाना है, मैं अभी तक नहीं गई, सो दैट इज माय बिगेस्ट ड्रीम। मतलब मैं मुंबई में रह के पूरा मुंबई तक नहीं घूमी हूँ, बिकॉज ऑफ द फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन, बहुत कम एज से काम करना शुरू कर दिया था, बहुत तरह के काम किए, वो चाहे किसी ट्यूशन क्लासेस में रिसेप्शनिस्ट का हो, या किसी कॉल वाह सेंटर में हो, या किसी शॉपिंग मॉल में एज ए सेल्स मैनेजर हो, बहुत सारे काम करने के बाद मैं यहाँ अपनी मंजिल तक पहुंची हूँ। तो मेरा ये बिगेस्ट ड्रीम भक्ति है कि जी, मुझे कभी आप छुट्टी क्या मिले। बता रही हैं, आप क्या बता रही हैं, लिटरली हाँ आपने जी, इतनी ज्यादा मेहनत करी है, इतनी ज्यादा। यस, बट दैट टाइम आई हैव एंजॉयड, मे बी दैट इज द जर्नी टू फाइंड वेयर आई बिलोंग टू। तो वो जर्नी थी और वो जरूरी थी, क्योंकि कई बार आपको अगर कुछ चीजें ऐसी मिल जाती है तो आप उसकी कद्र नहीं करते, पर जब बहुत मेहनत के बाद आपको मिलता है तो यही शायद वजह है कि मेरे एक एक सीन में मैं सोचती हूँ कि यहाँ मेरा एफर्ट कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई नो हाउ आई हैव अर्नड इट। You have just अरे left me speechless. नो, इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी, आई नेवर हैव एनी काइंड ऑफ रिग्रेट, आई फील दैट ये जर्नी मेरे लिए जरूरी थी, वरना मैं अपने बच्चे से क्या कहूंगी मैंने स्ट्रगल कहाँ की। इट्स नॉट स्ट्रगल, इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी। तो अब मुझे कोई बोलेगा कि मैं ये कर लूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ, मैं ये काम करना है तो वो भी कर सकती हूँ, तो मुझे हर फील्ड का नॉलेज भी मिलता गया। वाह मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसे बहुत कम लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जिन्होंने बहुत ज्यादा लेवल का स्ट्रगल किया है। आप उसे स्ट्रगल नहीं मानती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने असल में उस दौर को ना अच्छे से जिया। और आज जब, अच्छा जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं, तो क्या हाँ कभी जी, किसी चीज का आपको कोई रिग्रेट होता है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं होता, हैव यू उल्टा एवर मैं चेंज्ड हमेशा ये एक्चुअली? सीखती हूँ। आई हैव चेंज्ड माय सेल्फ लॉट। मैं बहुत कहते हैं ना कि पढ़ाकू दुनिया से अनजान ऐसी थी अपनी किताबों में, अपने स्कूल में, और वो 10th के बाद वेयर आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम कॉलेज टू वेरियस जॉब्स एंड देन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी एकदम ग्राउंड लेवल से शुरुआत, वो स्ट्रगल, कई तरह के लोग मिले उसमें, कुछ अच्छे कुछ बुरे, उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, बट आई हैव ऑलवेज लर्न। तो मैं जब भी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है यस, मैंने बहुत प्रोग्रेस किया है अपने बिहेवियर में, और बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ लोगों से कि कहाँ हमें कैसा बर्ताव करना है, और आगे भी शायद जो कमियां हैं वो मैं कई और लोगों से मिलकर सीखती जाऊंगी। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। अच्छा इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कोई किसी का दोस्त नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ काम के रिश्ते होते हैं। आपके साथ भी सिर्फ काम के रिश्ते वाले लोग हैं, या कोई है जिसका कंधा आप यूज कर सकती हैं कभी भी अपने सारे दिल की बात शेयर करने के लिए? कोई है ऐसा? ऐसी एक दो दोस्त मिली है, मतलब मेरी जिंदगी के शायद उन 8 या 9 सालों में जो इंडस्ट्री के हैं उसमें मुझे कभी ऐसा कोई नहीं मिला। मुझे वो पता था जब तक हम साथ में काम कर रहे हैं विल बी फ्रेंड्स एंड देन टू कॉन मेक कॉन। पर अनुराधा से जब मैं मिली, अनुराधा सिंह से, और मेरी एक और दोस्त है पूजा दीक्षित, तो उन दोनों से मिलकर मुझे पता चला ना कि नहीं, लाइफ में कई, मतलब आपको बहुत चाहे रेयरली पर ऐसे इंसान मिलते हैं जिसके सामने आप
किसी भी तरह बिहेव कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, यू एक्चुअली लिव योर लाइफ, यू एंजॉय दैट टाइम विद देम. तो वो उसके साथ लगता है. अनु ने शायद नहीं बताई होगी, मैं आपको बात बताती हूँ. किसी भी अनु का फोन आता है मुझे, तो मैं ये कह के नहीं उठाती कि अरे इसका फोन उठाऊंगी और मैं 10 मिनट भी बात नहीं कर पाऊंगी, इससे अच्छा है मैं जब मुझे वक्त होगा तब उसको फोन करूंगी. तो कई बार हमारी महीनों तक बात नहीं होती, बट वो दिल से कनेक्शन ऐसा है ना कि बिना बात किए भी वो कनेक्शन जुड़ा हुआ है. तो ऐसा नहीं. एंड ऑन द अदर साइड मैं ये कहूंगी कि अगर इंडस्ट्री में ऐसा है भी, तो मैं वो दोस्त बनना चाहूंगी जिसके कंधे पर सर रख के कोई भी अपने जिंदगी की तारीफ. हाउस हाउस बिकॉज आई हैव सीन पीपल नॉट डूइंग. मुझे अनु ने बताया था कि आप दोनों इतने ज्यादा आइडेंटिकल हो कि लोग कहते हैं कि ये सोल सिस्टर्स हैं. तो यस यस, तो मैं समझ सकती थी, बिकॉज अनु को मैं इतनी गहराई से अनु को जानती हूँ, उसको जिस हिसाब से उसका और मेरा रिलेशन है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा अगर वो कह रही है कि हम सोल सिस्टर्स हैं, तो आई रियली वॉज विलिंग एंड डाइंग टू नो. मुझे अब समझ में आया कि वो क्यों है. व्हेन यू गेट थ्रू, यू नो, बात करके समझ में आता है कि क्या खासियत होती है, क्यों कोई आदमी किस पॉइंट पर एक जैसा होता है. तो इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड नाउ. अच्छा, कोई किरदार भी ऐसा है जो अभी आप निभाना चाहती हैं? ऐसा कुछ नहीं है. जो भी किरदार आएगा मैं उसे एज ए चैलेंज लूंगी और मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं यही सोचती हूँ. ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है. पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं इमोशनल इतना अच्छा नहीं कर पाती हूँ, पर कॉमेडी आई लव टू. ऐसा कोई किरदार नहीं है, बट कॉमेडी ये जो जॉनर है वो मुझे बहुत पसंद है. पर कॉमेडी में आके भी साथ में इमोशनल करने मिलता है तो और मजा आता है कि आप वेरियस साइड दिखाते हो ह्यूमन बीइंग्स के. सो दैट इज माय मोटो कि मैं जो भी किरदार में लूं उसको उतने अच्छे से करूं कि सामने देखने वाले को ये ना लगे कि वो कोई एक्टर है जो किरदार निभा रहा है, उनको उसमें भाई दिखे. इसलिए जब लोग मुझे ज्योति भाभी बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नो दे हैव एक्सेप्टेड माय कैरेक्टर एंड आई एम हैप्पी. बिल्कुल सही. अच्छा, आपके जो फैंस हैं, ऐसे फॉलोअर्स हैं, वो लोग अक्सर, उन लोगों ने मुझे स्पेशली मेंशन किया था कि आप मैम से पूछिएगा हमें भी हीरोइन बनना है, वो कैसे हाँ. बनी थी, हमें रास्ता बता दे. तो आप कुछ टिप्स दे दीजिए ताकि उन्हें समझ में आया कि हाउ टू वर्क हार्ड, थिएटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाउ कैन दे गो अहेड. आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन. मैंने भी थिएटर ले गया है, मेरी भी इच्छा है कि मैं एक दिन थिएटर करूँ, पर मेरा तो ऐसा था कि साथ ही सीरियल से किया और सीरियल में ही रम गए, वैसी बात है. तो ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ वो एक अलग एक्सपीरियंस है. जैसे मूवी करना, सीरियल्स करना, डेली सोप करना, क्राइम पेट्रोल का एक अलग जॉनर है. मतलब वैसे जो क्राइम स्टोरीज है उनका, पीरियोडिक सीरियल्स है उनका एक अलग जॉनर है, डेली सोप का अलग है, ऐसी कॉमेडी शोज में अलग एक्सपीरियंस मिलता है. तो मैं हर लड़की से यही कहूंगी कि डू योर बेस्ट, गॉड विल शो यू द वे. जैसे मुझे दिखाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ भी आऊंगी, मैं कभी टीवी में दिखूंगी, ये भी मैंने नहीं सोचा था. तो अगर आप ईमानदार हो, आप अपना 100% देते हो, आप एफर्ट्स देते हो, देन ही विल शो यू द वे. नो नीड टू वरी. Beautiful. और लोग कई तरह से मिलेंगे, लेकिन अगर आप ये है, आपने मन में ठान लिया कि मुझे यही करना है, तो आपको कोई नहीं होगा. यस यस. अच्छा, आपका सक्सेस मंत्र क्या है? मेरा सक्सेस मंत्र है, आपको जो भी मिले, चाहे वो एक लाइन हो, एक डायलॉग हो, या बड़ा पेज भर के हो, या आप पीछे खड़े रहना हो, सिर्फ एक्सप्रेशन देना हो, गिव योर 100%. नेवर फील कि ये छोटी चीज है तो ठीक है ना, आज एक ही लाइन है तो मैं क्यों इतना देती हूँ. दैट वन लाइन और दैट वन एक्सप्रेशन आल्सो मैटर्स फॉर मे बी नॉट फॉर द स्क्रीन बट फॉर मी इट मैटर्स कि मैं कैसा एक्सप्रेशन देखती हूँ. आप मानोगे नहीं, मैं कई बार अपने सीन 3 बार पलटी करके देखती हूँ कि अच्छा मैं यहाँ ये कर सकती थी अभी भी, बिकॉज आई लव टू लर्न. सो नेवर स्टॉप लर्निंग एंड वॉट एवर इज इन योर प्लेट, just give it 100%. That is my success. Success ki bhi meri ek alag definition hai. Like this is success for me, that with character I'm playing, I'm giving my 100% and people are loving it. This is success for me. Aur koi aisa jisko dekh kar ke aapko lagta hai ki ye mera idol hai, isi ki tarah mujhe banna hai, aisa koi hai? नहीं, ऐसा पर्टिकुलर कोई नहीं है, पर कई एक्टर्स में जब मैं कुछ क्वालिटीज देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे
हमारे शो में सुमित राघवन जी है, उनका ऑन सेट बिहेवियर जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इतनी कामयाबी के बाद भी इतना ही हम्बल, इतना ही ऑनेस्ट और इतना ही सच्चा रहना है। लवली, चलते चलते अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगी? बेचारे फैंस बहुत देर से आए, बहुत सारे आए बेचारे, नाराज होके रूठ के हेलो बेचारे गए हेलो। कि हाँ मुझे पता है क्या लिखा था, योगिता को हटाओ और हमें ऐड करो अब ये कैसे एग्जैक्टली। करें हम लोग इस काम को तो अपने फैंस के लिए मैं कुछ मैसेज दे अपने दीजिए। फैंस को इतना ही कहना चाहूंगी कि सॉरी मैं नहीं बहुत लाइव आती। कई लोग मुझे बोलते हैं हमेशा कि आप लाइव आया करो, मैं नहीं आ पाती हूँ, उसके लिए जेन्युइनली सॉरी। बट आप लोगों का प्यार मुझ तक पहुंचता है, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी द वे यू गाइस डू। थैंक यू सो मच। आपका शूट है और आपने जल्दी जल्दी, आज हम लोगों ने इसको प्रीपोन किया इसीलिए ताकि आपको शूट पे जल्दी जल्दी आना था, फिर भी आपने टाइम निकाला एंड आई नो यू हैव टू जस्ट रश, तो मैं आपको और नहीं तंग करूंगी। 2:01 कर चुकी हूँ मैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और हम जल्दी ही आपको आपके हस्बैंड के साथ इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि आई जस्ट वांट टू नो हिज पर्सपेक्टिव आल्सो, कि हम एक बार आप और आपके हस्बैंड बैठे और फिर हम एक इंटरव्यू करते हैं आपका, ठीक है? पक्का थैंक पक्का यू सो पक्का। मच, थैंक यू थैंक सो यू मच, सो मच सो योगिता, रिच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वी हैव रीच्ड बाय द बाय। टाइम, बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑल द सेम बेस्ट, टू यू। थैंक यू, बाय बाय बाय। बाय।